नमस्कार साथियों, स्प्रेडिंग वैल्यू इन्वेस्टिंग में आपका हृदय से स्वागत है। दोस्तों, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा और ऑल पर जरूर से क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि समय समय पर दोस्तों ट्रेंडिंग स्टॉक्स के ऊपर एनालिसिस लेकर आता रहता हूँ। और आज दोस्तों हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं 1 ईयर लॉन्ग कंसोलिडेशन स्टॉक के बारे में, ठीक है, जो कि स्मॉल कैप है और ग्रोथ की इमेंस पोटेंशियल है। ठीक है, तो चलिए चार्ट के ऊपर जाकर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों हम चार्ट के ऊपर आ चुके हैं और दोस्तों वीडियो एजुकेशन पर्पज़ से रहेगा, तो कोई भी बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं रहेगा। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे आज के ट्रेडिंग सेशन में देख सकते हैं ये शेयर 17% यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, ठीक है, और यहाँ पे 5 डे रिटर्न देखें तो 34% दिया है। मतलब कि ये दोस्तों लगातार अभी ब्रेकआउट के मूड में है और इसका दोस्तों आप कंसोलिडेशन देखेंगे तो इसका 1 ईयर कंसोलिडेशन देखिए तो कितना लंबा कंसोलिडेशन है, आप देख सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं कि ये एक बॉक्स के अंदर आपको ट्रेड करते हुए नज़र आ रहा है और इसीलिए इसमें इमेंस पोटेंशियल है और यहाँ से ब्रेकआउट स्टार्ट है दोस्तों। ठीक है, तो इस पर दोस्तों किस प्रकार का स्ट्रेटजी रहना चाहिए एंट्री का, वो उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, और मार्केट कैप आप देख लो, महज 1.83 करोड़ का कंपनी है, माफ़ कीजिएगा, ये 1500 करोड़ के उतने ऊपर यानी 2000 करोड़ के आसपास की कंपनी है। ठीक है, और यहाँ पे पी रेशियो 30 है, मतलब ओवर वैल्यूड पी नहीं हुआ है, इसी वजह से स्टॉक में एंट्री का बहुत सही समय यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, तो इसमें ऑब्जर्व एंड इन्वेस्ट का दोस्तों यहाँ पे इस शेयर को ऑब्जर्व करके अगर यहाँ पे दोस्तों अगर लॉन्ग टर्म में बना रहा जाए तो स्टॉक अच्छे खासे मल्टीबैगर रिटर्न्स दोस्तों बनाकर दे सकता है। तो यहाँ पे 6 मंथ यहाँ पे रिटर्न देखें तो देखिए फ्लैट कंसोलिडेशन है और आप इसका यहाँ से कंसोलिडेशन से इसका रिटर्न्स आप कंपेयर करें तो यहाँ से आप फ्लैट जहाँ है वहाँ से हाई देखें तो महज 40% ये उठा है। ठीक है, और इसका मैक्स रिटर्न्स देखें तो देखिए 1589% का रिटर्न्स दिया है और यहाँ से आप देख सकते हैं इसका जो हाई है, ठीक है, इसका हाई आप देखें तो ये देखिए 426 है और 426 से 506 यानी अपना हाई से जस्ट थोड़ा ही ऊपर गया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से एक बॉक्स के अंदर स्टॉक ट्रेड कर रहा है तो यहाँ से एक और बहुत बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पे आ सकता है दोस्तों। लेकिन एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि कंसोलिडेशन शेयर में दोस्तों कभी भी ब्रेकआउट दो तरह से आते हैं दोस्तों, एक तो जैसे अभी ब्रेकआउट आ रहा है, अगर ये अपर सर्किट टच कर जाता है 20% तो हो सकता है कल के दिन भी ये 20% टच कर जाए, और दूसरा तरीका क्या होता है ब्रेकआउट का कि दोस्तों ये अभी आज 20% हो गया तो हो सकता है कल के दिन यहाँ पे फॉल कर जाए और उसके बाद फिर थोड़ा कंसोलिडेट करे, उसके बाद फिर से ऊपर राइज कर जाए, तो ऐसा भी पॉसिबिलिटी होता है। ठीक है, तो इसी वजह से लॉन्ग टर्म व्यू है तो ही दोस्तों ऐसे जब भी स्टॉक भाग चुका है तो एंट्री के लिए लॉन्ग टर्म पर्स्पेक्टिव अपनाना चाहिए। ठीक है, देख सकते हैं मार्केट कैप 1.83 करोड़ है और पी रेशियो 30.5 है। ठीक है, तो इस फंडामेंटल एनालिसिस भी आपको इसका दिखा देता हूँ, स्टर्लिंग टूल्स लिमिटेड का शेयर का नाम है। ठीक है, तो दोस्तों हम यहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस के लिए देख सकते हैं, स्क्रीन पर आ चुके हैं, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों ये जो शेयर है, ठीक है, ये बनाती क्या है, टेंसाइल फॉर्ज फास्टनर प्राइमरी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं और भी यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं इसे, तो यहाँ पे ये सेकंड लार्जेस्ट ऑटोमोटिव फास्टनर मैन्युफैक्चरर है इंडिया में फॉर द लास्ट 4 डिकेड्स। ठीक है, तो ये इसका अचीवमेंट है। मार्केट कैप देख लो, पीई देख लो 30 के आसपास, बुक वैल्यू 124 के आसपास, नेगेटिव पॉजिटिव इसका देख लो, कंपनीज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हुआ है 96, स्टॉक 3.97 पे ट्रेड कर रहा है, मतलब एक अंडर वैल्यूड शेयर है तो एक अच्छी बात है, हालांकि यहाँ पे कॉन्स में दिखाया गया है क्योंकि लंबे समय से है इसी वजह से। ठीक है, तो यहाँ ब्रेकआउट भी आप देख रहे हैं, क्वार्टर रिजल्ट्स चेक कर लो, तो क्वार्टर रिजल्ट्स में जून आप देखो तो इसका क्वार्टर रिजल्ट्स लगातार अच्छा परफॉर्म करते हुए देखने को मिल रहा है, 269 280 करोड़, मतलब ईयर ऑन ईयर भी अच्छा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अच्छा है, इसी वजह से यहाँ ब्रेकआउट आपको देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों देख सकते हैं इन्वेस्टर्स इसमें आपको प्रोमोटर का मैसिव 65% होल्डिंग मिलेगा और ये बहुत अच्छी बात है कि स्मॉल कैप में प्रोमोटर इतना बड़ा होल्डिंग लेकर बैठे। FII का होल्डिंग दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है और DII का होल्डिंग दोस्तों कंसिस्टेंट है, 5% का एक अच्छा खासा होल्डिंग माना जाता है और ब्रेस्ट पब्लिक के पास है। ठीक है, तो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ऐसे स्टॉक समय समय पर लाता रहता हूँ। ठीक है,